पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 क्लास 11 की बायोलॉजी की पब्लिकेशन बुक से चौथा चैप्टर त्रिकोणमिति समीकरण। दो चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, पहला और दूसरा, और तीसरा जो है अभी नहीं कंप्लीट किया, त्रिकोणमिति समीकरण को स्टार्ट कर किया है, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 4 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज 5वां नंबर के सारे पार्ट हम खत्म। देखिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, त्रिकोणमिति समीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है पहला, 5वें का पहला क्वेश्चन है अंडर रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा हटके है उन चारों सवालों से, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखना है कि एक संख्या ऐसी होगी जिससे हम भाग करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं बता दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो इस अंडर रूट के अंदर लेते हैं, जो इसका होता है गुणांक उसको ले लेते हैं, और प्लस जो इसका गुणांक होता है, इसमें कोई गुणांक नहीं तो 1 ले लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा, ये आपका रूट हट जाएगा 3 और प्लस का 1 जाएगा, फिर यह जाएगा 4 को जब बाहर निकालोगे तो 2। यानी कि जो संख्या ये है उसी से आपको क्या करना है, बोथ साइड कर देना है भाग। बोथ साइड जब भाग करोगे तो आपका एक क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, रूट 3 बाई 2 कॉस थीटा और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा। अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका क्या है, रूट 2 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में है रूट 2। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर अब रूट 2 को भी हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को अगर कॉस के पद में बनाना चाहें तो हम इसको लिखेंगे कॉस, और रूट 3/2 जो होता है वो वैल्यू होती है कॉस 30। तो कॉस 30 की जो वैल्यू है तो उसको हम रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई वाई लिखेंगे 6, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का, इसको जब लिखेंगे साइन लिखेंगे क्योंकि कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, तो यहाँ से जब इसको चेंज करेंगे तो आपका कितना जाएगा, साइन पाई बाई 3 ये भी हो जाएगा, और ये आपका साइन थीटा, और अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1/√2, क्योंकि इसमें 2 रूट के स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, तो कॉस से कॉस भी, तो ए इसको मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थीटा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाई अगर कॉस की वैल्यू लगते हैं तो ये आपका पाई बाई 6 है, तो ये 1/√2 भी पाई बाई 6 की वैल्यू ही होगी, यहाँ पर आपका पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि 30 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन में। अब यहाँ पर आप इसको साइन इसमें फोल्ड करेंगे कास में, तो कितना जाएगा, कास की पावर, कास 1/√2 वैल्यू होती है, कास का वैल्यू 4 यानी कि 45 है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको आप उसमें जब चेंज करेंगे तो हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और जब जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालोगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो आपको हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और ये माइनस का पाई बाई 6 है वो चला जाएगा उस साइड में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके हैं लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, या चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का, कुछ मैं क्वेश्चन जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अब उसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपका क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू है √3।
अब इसमें आप क्या करोगे, सेम वही काम करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका गुणांक कितना है, ये आपको देखना है। इसके गुणांक की अगर बात करें तो ये 1 का स्क्वायर है, और इसके गुणांक की बात करें तो वो भी 1 का स्क्वायर है। तो इसमें जो हम लोग मेथड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें सारा सिस्टम आपका टैन साइन और कॉस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेक में है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये आपको हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर टू रूट 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये पूरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों हर आपके बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा और प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 3 कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करें, इनको एक तरफ कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 कॉस थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, पुराना सिस्टम अब पहले सवाल की तरह हमने इसको बना लिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस का माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4, और इसको जब करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है कि इनमें पूरे में फिर 2 से आपको भाग करना है, जितना ये आता है सॉल्व करने पर उतने से पूरे समीकरण में दोनों तरफ भाग करा देते हैं। तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 कॉस थीटा, और माइनस का इसको भी 1 बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू कर देंगे 1। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं उसी तरह से, उसी तरीके से अगर हम इसको चेंज कर लें तो ये कितना हो जाएगा, कॉस रूट 3 बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस कितना पाई बाई 3 लिखा है। और ये आपको हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 बाई 2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 बाई 2 किसका है, पाई बाई 6 का है, पाई बाई 6 का है। और जब 1 बाई 2 को जब करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको भी कॉस पाई बाई 6 ही लिख सकते हैं, और ये 1 बाई 2 साइन हो जाएगा, तो इसको साइन पाई बाई 6 लिखेंगे। और ये आपको हो जाएगा साइन थीटा इसको कितना जाएगा 1। फिर इसको क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरह सेम बनता चला जा रहा है, कॉस से माइनस कॉस, कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और इसको टू आपका हो जाएगा 1। फिर इसको आप चेंज करेंगे और, तो इसको 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो ये कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। जब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू, यहाँ पर आपका 0 है तो लिखेंगे 2n पाई प्लस 0 लिखेंगे। अब इसके बाद और जब चेंज करेंगे इसको तो आपका डायरेक्ट मान ये कितना आ सकता है, इसको आप लिख सकते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस, ये उधर आपका चला जाएगा तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको माइनस का पाई बाई 6, वहाँ पर उस साइड में ले जाने के बाद इसको आप माइनस का पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, या इसको और चेंज कर सकते हैं भैया आप, एक चीज हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर आपका 1 बाई 2 भी हो जाएगा क्योंकि उधर भी 2 से भाग कर देंगे, ये चीज आपका मिस्टेक हो गया है। 1 बाई 2 जो है वैल्यू किसकी होती है, 1 बाई 2 जो वैल्यू होती है कॉस में पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, कितनी की वैल्यू होती है 3 की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई। अब यहाँ पर जब प्लस माइनस हम जिसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस पाई बाई 3 और वो उधर चला जाएगा तो आपका माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइव का थर्ड पार्ट, फाइव का थर्ड पार्ट क्या है? अंडर रूट 2 sec थीटा और tan थीटा। तो अभी उसी प्रकार का क्वेश्चन किया है हमने, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर नंबर, फाइव का फोर नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और वो आपका क्वेश्चन क्या है? वो है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ग्रेटर टू 1 माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 1 माइनस sin थीटा। तो यहां से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3 और माइनस का रूट 3 sin थीटा। अब इसको sin थीटा को उधर ले आएंगे कितना हो जाएगा, cos थीटा और प्लस का अंडर रूट 3 साइन थीटा इस पर हो जाएगा आपका रूट 3। अब फिर वही प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं वो प्रोसेस अरे यार अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 4, और ये आपको हो जाएगा 2। अब 2 से कर देंगे आप डिवाइड, जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 3/2 sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। अब यहां पर आप इसका मान रखना स्टार्ट कर दीजिए, अगर इसका मान जब रखना हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको cos में चेंज कर लें, यह आपका हो जाएगा cos 1/2 की वैल्यू होती है π/3 की होती है, क्योंकि ये 60 की वैल्यू होती है cos में, तो π/3 रखेंगे क्योंकि 60 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका क्या है, cos थीटा है और प्लस का √3/2 का क्या हो जाएगा, √3 को हम लिखेंगे 3/2 को sin π/3 कर देंगे, और ये आपका sin थीटा हो जाएगा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, cos के माइनस b का फॉर्मूला बनेगा, तो थीटा माइनस π/3 आप लिख सकते हैं बराबर यहाँ पर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम cos में चेंज कर लेंगे तो π/6 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा cos π/6। अब यहाँ पर जब इसको करेंगे तो थीटा माइनस π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n π ± π/6, और जनरल वैल्यू आप थीटा जब आप निकालोगे तो यह आ जाएगा 2n π ± π/6 और +π/3। ये आपका आंसर, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में से एक ले लेते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं, 5 का क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ये दिया गया अंडर रूट 3 साइन थीटा, अंडर रूट 3 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू √2। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखना है कि हमें भाग किससे करना है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4, और ये हो जाएगा आपका, यानी कि आपको पूरे में 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है इसमें, तो ये हो जाएगा √3/2 साइन थीटा और माइनस का हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, और इसको भी आपको करना है 2 से।
अब इतना जो काम कर लेंगे तो इसको आप चाहे अब साइन और कॉस है तो यहाँ पर साइन कॉस में आप इसको चेंज करेंगे तो ये आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन और कॉस में करते हैं तो कॉस में साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि कोई भी फार्मूला जो बना हो आप उसको बना सकते हैं। तो कॉस रूट थ्री बाई टू दिया है तो कॉस रूट थ्री बाई टू यानी थर्टी की वैल्यू होती है, थर्टी वैल्यू सकते हैं कॉस फाइव बाई सिक्स और ये पर हो जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर वन बाई टू जो है साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये आपका कॉस थीटा स्क्वायर टू हो जाएगा वन बाई रूट टू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स बराबर ये कितना हो जाएगा इसको ले सकते हैं कॉस पाई बाई, लेकिन साइन में है तो साइन में लिखेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू समान होती है साइन पाई बाई फोर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो थीटा माइनस पाई बाई सिक्स होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई फोर लिख लेंगे और यहाँ से जब जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आप निकालोगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा तो यह आपको हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई फोर और इसको चाहोगे तो आप उसको ले जा सकते हो इधर पाई बाई सिक्स में। अब इसके दो प्रकार से लगा सकते हैं आप, एक बार एन का मान जो है आप चेंज कर लीजिए सम का मान लीजिए और एक बार आप मान सकते हैं उसको विषम का, उस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपका मान जो है वो चेंज मान आपको दे देगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इतना भी आप छोड़ते हैं तो आंसर आपका सही है और वरना आप जो है इसको एक बार सम का मान लेंगे तो सम का जो मानेंगे उसको कुछ कंडीशन बता दूँ। जैसे अगर आप सम का मान रहे हैं एन जो है एक सम संख्या है तो वहाँ पर एन की जगह पर आप टू एम को पुट कर दीजिएगा और विषम जब आप मानोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा टू एम प्लस वन मान लीजिएगा और जब विषम मानेंगे तो इस चिन्ह को माइनस कर दीजिएगा, सम मानेंगे तो ये आपका वन हट जाएगा और वहाँ पर वन प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का पहला पार्ट, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू टू रूट टू टैन थीटा बाई टू ये दिया है और उसके बाद आपको ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे लिया है जीरो डिग्री इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन थीटा एंड इज ग्रेटर देन 360 यानी कि जो थीटा की वैल्यू आपकी आनी है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए और 360 से छोटी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले इसको आप बदल लेंगे साइन और कॉस में, इसको आपको करना पड़ेगा चेंज और इसको आप कर देंगे साइन कॉस में चेंज तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, इसको करेंगे टू रूट टू और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह हो जाएगा टू रूट टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू आपका वन हो जाएगा। कुछ लोगों की शिकायत है कि छोटा बहुत लिखते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आज मैंने प्रयास किया है कि बड़ा कुछ लिखें, बड़ा लिखने का प्रयास मैंने किया है और क्लियर भी दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू कर देंगे और ये जो रूट टू है इसको इस साइड में लाएंगे वन बाई रूट टू हो जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा है लेकिन हाफ एंगल में है तो ये हो जाएगा टू थीटा बाई टू इक्वल टू वन बाई रूट टू और साइन में फोल्ड कर देंगे तो साइन पाई बाई फोर लिख सकते हैं या 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी तुलना जिससे कराएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपका 45 लिख दिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर 360 तक के मान को आपको देना है तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसको मैंने बताया था ASPC होता है यहाँ पर सिस्टम। तो यहाँ पर आपका आल पॉजिटिव होता है और आपका पॉजिटिव 45 है तो पॉजिटिव मान यहाँ को लेना है तो साइन का मान पॉजिटिव यहाँ पर होगा
तो इसको क्या लिखते हैं, 180 माइनस का लिखेंगे 45, तो माइनस का 45 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 135 आ जाएगा, यानी कि आपके 135 का मान भी इतना हो जाएगा। उसके बाद आप जब इसमें जाएंगे तो आपका माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, और जब इसमें आप आएंगे तो वो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उस मान को ना लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 45 से 135 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो समझना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, ये है आपका cos 2 थीटा माइनस sin थीटा सर sin 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा और माइनस का साइन थीटा और माइनस का वन, ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर आपको आपकी बात चेंज दिया है 90 डिग्री और इतना ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए 90 से छोटा नहीं आना चाहिए थीटा का मान, और 540 तक के मान लिखने हैं अंदर तक, ये कितने मान हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का वन है, इस माइनस वन को रिमूव करना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का वन कर देंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे साइन 2 थीटा से, तो साइन 2 थीटा से जब करेंगे इसमें देखिए सीधी भी लगा सकते थे हम, cos को इधर ले आते, साइन को इधर ले आते, इसको सीधी लगा सकते थे, वो भी काम कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा फार्मूला यूज नहीं करना चाहते। यहाँ पर आपको जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद जब यहाँ पर आप करोगे तो आपको हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा और ये माइनस का वन, तो यहाँ से इस माइनस वन को माइनस वन से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos थीटा आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा क्या आपका cos थीटा बच गया, और यहाँ पर माइनस का sin थीटा बचा, और इस साइड में भी आपका वही बचा हुआ है cos थीटा माइनस का sin थीटा बचा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो बचे हुए हैं आपके, तो इसको चाहे तो आप कट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा को कॉमन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 2 cos थीटा, और इसको आप इस साइड में जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका माइनस का 1:0 इधर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपके दो मान निकलेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके दो मान निकल गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये पहले ले लेंगे 2 cos थीटा माइनस वन ले लेंगे इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, तो थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 60 निकाल दी। लेकिन इसने क्या बोला है कि 90 से अपर होना चाहिए, उसका मान किससे होना चाहिए, 90 से अपर होना चाहिए, तो 90 से जब अपर आप निकालोगे तो आपको देखना है कि धनात्मक मान आपका किसका होता है ASTC में, यानी कि इसका मान होगा। तो इसका मान जब होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिखोगे 360 माइनस का थीटा, थीटा कितना है 60, ये लिख लोगे एक तो, और उसके बाद में जब ऊपर जाओगे तो उसमें भी प्लस होगा, तो 360 प्लस का 60 भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा। और उसके बाद में फिर जब वापसी जब आप करेंगे यहाँ पर, तो उसका जो हो जाएगा 720 से आप 60 हटाओगे तो वो आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान आपका कितना आएगा, 60 आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा 300 आ जाएगा, और इसका जब आप करोगे तो 420 माना जाएगा केवल इसका। अगर एक तरह से देखें तो आपके यही मान होने चाहिए, हम अगर चाहते हैं यहाँ पर तो cos थीटा माइनस sin थीटा को यहाँ से कट कर सकते थे, यानी कि उसको हम हटा सकते थे। तो आप इतने ही मान को रख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ cos थीटा को, ये तो आपका सिंगल मान हो गया है। अगर हम उसका भी मान निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम अब इसका मान निकालें, तो चलिए उसका मान भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा,
इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कर लिए, ये इसके नीचे आ जाएगा तो आपका बन जाएगा टैन थीटा बराबर वन, और टैन में 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है वन, इसकी वैल्यू होती है आपको 90 से ऊपर ले जाना है, तो 90 से जब ऊपर ले जाना है तो आपको देखना है कि प्लस का किसमें होता है एस टी सी, यानी कि 180 से प्लस जब होगा तो वो पॉजिटिव होता है टैन का मान, और ये तो 90 से नीचे, तो इसको आप क्या लिखोगे टैन थीटा इक्वल टू आपका मान कितना जाएगा 45, तो आपको लिखना है यहाँ पर आप क्या लिखोगे 180 प्लस लिखोगे 45, ये हो जाएगा आपका मान, और इसके मान जो है प्लस का 360 में आ जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 360 प्लस 45 लिखोगे तब भी आपको उसका प्लस मान आएगा, तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर देखें तो 225 आ रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ जाएगा 405 आ जाएगा, और कुछ मान उसमें निकाले थे इस वाले से और कुछ मान ये, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ज्यादातर क्वेश्चन आपके इजी ही हैं, सब आप कर लेंगे, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ एक लास्ट क्वेश्चन इसका पांचवा नंबर, और किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा हम जरूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपका है 4 cos² थीटा प्लस √3 इक्वल टू, फिर आपको दिया है 2 √3 + 1 इंटू कॉस थीटा, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा पद आपके इधर आ जाएगा 4 cos² थीटा, और ये पूरा इधर लाइन तो 2 √3 + 1 इंटू कॉस थीटा और प्लस का √3 = 2। तो यहाँ से जब आप तुलना करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2√3 + 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। अब यहाँ से 3 से फार्मूला निकालेंगे तो cos थीटा के मान आपको निकालना है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3 + 1, और फिर आपका होता है प्लस माइनस √b², तो b² का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2√3 + 1 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और c की वैल्यू हो जाएगी √3, तो टोटली आपका होल हल कितना आएगा 4, इसमें क्या होता है 2a होता है, तो 2 × 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 √3 + 1 है और प्लस माइनस है, तो इसको जब जरा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे कितना हो जाएगा 4√3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐसे ही लिखते हैं 4 × 4√3। अभी बहुत आसान थी बताऊँगा इसको सॉल्व करने की, यह हो जाएगा 1। अब आप क्या करोगे, यह हो जाएगा 2√3 + 1 हो जाएगा और प्लस माइनस, यहाँ इन दोनों में 4 कॉमन लेते हैं रूट के अंदर, 4 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं अंदर, तो कितना हो जाएगा ये आप थोड़ा सा देखिए ऐसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कितना 2√3 और प्लस का 1, और यहाँ पर जब आप 4 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा माइनस का 4√3, ये बच जाएगा, ये आपका हो गया 8। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 2√3 + 1, और ये 4 जो है इसको आप बाहर ले सकते हो 2। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है √3 का स्क्वायर ही है, तो √3 का स्क्वायर ही लिखिए, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2√3 हो जाएगा और प्लस का 1, और अपान में कितना हो जाएगा 2, ये चीज़ आप नोट करते रहिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ ये हो जाएगा √3 + 1, और यहाँ पर प्लस माइनस, और ये आपका यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट हटा लेते हैं a² - 2ab + b² हो गया, यहाँ पर इसके √3 - 1 का होल स्क्वायर है रूट हटा देंगे तो अपान में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 4 या 8 हो जाएगा, ये इतना हो गया।
अब उसके बाद में और आप सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर अलग अलग ले लेंगे तो कितना जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस वन, और एक बार आप प्लस का ले लेंगे अंडर रूट थ्री प्लस वन, और एक बार प्लस का ले लेंगे अंडर रूट थ्री माइनस वन, अपान में कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू रूट थ्री अपान फोर, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा टू। तो यहाँ पर चल क्या रहा था कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो गया रूट थ्री बाई टू, तो कॉस थीटा में रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है कॉस थर्टी की होती है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी। एक चीज हम लोगों ने नहीं लिखा था इसकी रेंज क्या थी वो लिख लेते हैं, इसकी रेंज नहीं दी गई, चलिए कोई बात नहीं रेंज नहीं दी गई है तो 30 हो सकता है, और इसके मान क्या हो सकते हैं आपको पता है एसटीसी, एसटीसी से आपको पता है तो 360 माइनस थीटा कर देंगे तो 360 माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस का 30, तो आपका ये मान जो है 330 का मान भी ये हो सकता है। अब उसके बाद में आप एक बार प्लस के लिए हैं माइनस के ले लीजिए, तो यहाँ पर जब माइनस का लेंगे आप ये प्लस का आपने लिया, तो जब माइनस का लेंगे और ये कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस वन, और ये माइनस का अंडर रूट थ्री और ये प्लस का वन हो जाएगा अपान में फोर, तो रूट थ्री से इसको कैंसिल कर देंगे कितना बचेगा भाई टू बाई फोर दो जल्दी चार, तो ये कॉस थीटा बराबर कितना आ गया आपका एक बटे दो, और कॉस थीटा में बटे दो किसकी वैल्यू होती है कॉस कॉस थीटा में बटे दो कॉस साठ की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका साठ हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 360 माइनस 60 भी कर सकते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 और 300, ये मान आपके आएंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है, इसमें इसमें आपको एंगल बताने थे, इसमें आपको एंगल मैंने बताना बता दिया है, और कोई भी क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत कर रहा हो तो कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन के लिए फिर से वीडियो बन जाएगा, और आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम अगले वीडियो में कम्प्लीट करेंगे।